नमस्कार, मैं पलक यादव, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। भांडेर की ग्राम पंचायत बागपुरा महिला सरपंच के द्वारा अपने ग्राम पंचायत के विकास के लिए भांडेर के 68 पंचायतों में से आगे आई सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत में गायों के प्रति रख रखाव और अपने ग्राम पंचायत में साफ सफाई के लिए उचित तरीके से नाले का निर्माण करवा रही है। हमारे दतिया जिला संवाददाता लोक शुक्ला ने बागपुरा सरपंच के बारे में ग्रामीणों से जानकारी ली तो ग्राम पंचायत के हर एक व्यक्ति ने अपने सरपंच की तारीफ की। पूछना पड़ेगा, आप सबसे बुजुर्ग हैं हमारे दादा। दादा ये बताओ, गौशाला तो हमें आपके ग्राम पंचायत में दिखाई नहीं दे रही है, तो कहाँ है? वहाँ मंदिर के, हनुमान जी मंदिर के। वहाँ कहाँ है हनुमान जी का? हनुमान जी के मंदिर जहाँ हमारा फेर आया हुआ रोड पे, वो बागपुरा की है। पिछड़ा कड़के आओ। अच्छा, हाँ वो यही बागपुरा का खेरो है वो। अच्छा, तो यहाँ छोड़ो, वहाँ क्यों बने? कुछ लॉजिक है इसका? जगह पड़ी थी साहब। अच्छा, शासकीय जमीन वहाँ पड़ी है। अच्छा, ये बताइए जो आपके वर्तमान सरपंच महिला सरपंच, ठीक है ना, तो गांवों की जो सेवा है, अभी हमने जब देखा है कि गांव में अभी तो एक आध गाय भी नहीं दिखाई दे रही, तो गायों की स्थिति कैसी है यहाँ पे? वहाँ पे बढ़ती नहीं या नहीं, क्या है गाँव का? गाँव का पता ही है साहब, यहाँ बढ़ती है। बढ़ती है फसल भी जम पे और दो महीना के बाद। अच्छा, सभी निकल लेंगे, गर्मी में सब निकल गए हैं तो दो महीना बाद फिर सब पड़ जाएंगे। क्या कहेंगे? दो महीना फिलहाल जी कभी। और भी पंचायत हैं भांडर में, 68 पंचायत, 68 पंचायतों में से आपने जो नाली का निर्माण करवाया है वो काफी चौड़ा करवा रहे हैं, तो इसमें कारण क्या है? देखो, इसमें कारण तो ये है जी, यहाँ से नाले को इसलिए छोड़ा करवा रहे हैं कि कम से कम इसमें पानी का बहाव अच्छा हो और गंदगी ना रोके इसमें। मेन समस्या गंदगी है, इसलिए ये स्वच्छ रहे, इसलिए करवा रहे हैं। अच्छा, और जो जनता जनार्दन है आपको, जो आपको जितवाया था आपकी पंचायत से, तो आप जनता को क्या क्या अन्य योजनाएं जो लाभ दे रहे हैं? अब लाभ के लिए तो देखो, गाँव में आप देख आओ, थोड़ा आप भी चल के देख लो, कोई दिक्कत तो समस्या है नहीं। अब ऐसा है कि थोड़ा विरोधाभास का विरोधी हो ही जाता है, आप ही जानते हो, विरोध तो हर गांव में पंचायत का रहता है। अब विरोधी लोग तो थोड़ा अपना हिसाब से बोलते हैं मीडिया के सामने, लेकिन आप खुद क्या के देखोगे, ऐसा कोई अगर आपको लगे तो आप देख लो खुद। अच्छा, ये जो नाला है कहां से कहां तक बना है, कितने? ये अपना यहां से 700 मीटर की लंबाई है। और इसकी लागत क्या है? लागत तकरीबन इसकी 8-10 लाख रुपए के समथिंग का एस्टीमेट। एस्टीमेट। इंजीनियर कौन है? इंजीनियर चौबे जी है। अच्छा, तो ये नाला बनने से ये पानी का बहाव कहाँ ये जाएगा? ये मेन नाली में मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है कि पानी का, ये लोगों का खेती होती है। अरे खेती होती है, खेती के पर्पज से ये नाला का निर्माण किया जा रहा है और गंदगी भी ना रहा है। यहाँ पर जो खेल का ग्राउंड का मैदान है तो वो भी बचा रहेगा, बच्चे खेलते हैं यहाँ पर क्रिकेट। आगे की क्या योजना है आप नाले के बाद, आप क्या करना चाह रहे हैं? नाले के बाद हमारी एक सीसी है, वो डलवाएंगे वहाँ पे। इतना इतना शहरों के हिसाब से घुस के जाती हैं महिलाएं लेटरिन बाथरूम के लिए। चलिए, ये पहले एक ऐसे पंचायत है जहाँ पे नाले का निर्माण चौड़ाइया देखे अच्छे तरीके से बन रहा है। मैं तो खुद अचंभित हूँ कि यहाँ पे अच्छा काम चल रहा है, शासन की योजनाओं का लाभ हर एक ग्रामीण को यहाँ पे मिल रहा है। ये बागपुरा पंचायत है, यहाँ पे महिला सरपंच तो मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं के तहत हर पंचायत में नाले का निर्माण हो रहा है। इसी के तहत आज हम आए हैं 100-5 किलोमीटर दूर बागपुरा पंचायत में, और बागपुरा पंचायत की जो महिला सरपंच है उनके द्वारा बहुत ही अच्छा काम इसलिए करवाया जा रहा है कि नाले की जो चौड़ाई है उसको आप देखिए, पहले कि नाली की जो चौड़ाई है कम से कम ये मानिए कि ये लगभग 4 से 4.5 फुट है। और भी हमने पंचायतों में जब हमने इसका निरीक्षण किया तो जो नाला है वो बहुत सकरे बने हुए हैं, और इसमें आप देख रहे हैं गच्ची है, बालू भी है और डस्ट भी है। डस्ट इसलिए ज़रूरी होती है, 33% इसलिए मनाना पड़ता है क्योंकि उसमें मजबूती आए। हम सबसे पहले बालू की बात कर लें, ये देखिए ये बालू है, और दूसरी हम बात करें मजबूती के लिए 33% जो आता है वो है डस्ट, ये देखिए। और गट्टी आपको दिखाई दे रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित तो मैं इस पंचायत में इसलिए हुआ हूँ कि इसकी चौड़ाई आप जो देख रहे हैं वो लगभग और अन्य पंचायतों की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ाई इस नाले में हमें दिखाई पड़ रही है। गाँव वालों से पूछते हैं कि क्या समस्या थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है,
फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हर खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।